let's start with the part B. Part B is about the qualitative characteristics of financial information. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू रिपोर्ट इट टू हुम, टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. और हम कैसे रिपोर्ट करते हैं उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कैसे बनानी होती हैं उसके लिए हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं, IAS एंड IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ये दोनों के दोनों जो है कौन पब्लिश करता है, IAS. एक तो ये चीज होगी. सेकंड, जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आप कुछ अजम्पशंस को भी फॉलो करते हैं. जैसे एक अजम्पशन हमने FA2 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और इस तरह की और भी डिफरेंट अजम्पशंस हैं, उनको भी यूज करना होता है जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है. ये assumptions हमें कैसे पता चलती हैं कि कौन कौन सी assumptions हमने use करनी है, ये specifically मैं UK के लिए बता रहा हूँ कि हमने conceptual या global accounting standards की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमने conceptual framework को follow करना होता है. उसमें principles भी given हैं, उसमें assumptions भी given हैं, उसमें accounting conventions भी given हैं, उनको भी standards के साथ साथ हमने follow करना होता. और अगर हम उनको डायरेक्टली फॉलो नहीं भी करते तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बनते ही उन अजम्पशंस और उन प्रिंसिपल्स या उन कन्वेंशंस की बेस पे. तो अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप इनडायरेक्टली इन्हीं अजम्पशंस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी IAS या कोई भी IFRS कभी भी इन अजम्पशंस के अगेंस्ट नहीं होता या इनके अगेंस्ट नहीं बन सकता. अच्छा, अब जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बेसिकली 8 chapters हैं. देर आर 8 chapters इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. F3 के लेवल पे आपको नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, बट F3 के लेवल पे एक चैप्टर बहुत रेलिवेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हमने बेसिकली क्वांटिटेटिव, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, ये हमने MA1 में भी डिस्कस किया था कि जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन दो किस्म की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, नहीं, मटेरियल ही इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे. जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरी को कहते हैं क्वालिटेटिव. अब दोनों में फ़र्क है. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वो होती है जिसमें नंबर्स की बेस पे वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है. उसमें नंबर्स हो सकते हैं, उसमें डिजिट्स हो सकते हैं, उसमें परसेंटेजेस हो सकती हैं. न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वो होती है जो नंबर्स, डिजिट्स, परसेंटेज, न्यूमेरिकल बेस पे नहीं होती, बल्कि उसमें उस इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, नॉन नंबर्स के बेस पे उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि हम कोई सेल्स कर रहे हैं प्रोडक्ट ए की, हमने 1,000 यूनिट सेल की है, हर यूनिट की प्राइस है $5, टोटल सेल्स है $5,000। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो 1,000 यूनिट सेल किए हैं इसमें 800 की कंडीशन जो है वो गुड है और 200 की कंडीशन जो है वो बैड है। अब ये गुड एंड बैड, एवरेज, इंक्रीज क्वालिटी, डिक्रीज क्वालिटी, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हम रिपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट पे हमें ये तो रिपोर्ट करना है कि कितने एसेट्स हैं आपके पास, लेकिन उन एसेट्स की कंडीशन क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी है एसेट्स की, पुराने हैं या नए हैं, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। कितने एसेट्स हैं, $1,000 के एसेट हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक लिस्ट। टॉपिक लिस्ट में क्या है, सबसे पहले है ISP कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में 8 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर सो फार इस चैप्टर में हम एक ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का चैप्टर डिस्कस करेंगे विच बेसिकली डील्स विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली ISP। सेकंड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? दो किस्म की मेनली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है फंडामेंटल एंड दूसरी होती है इनहेंसिंग। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। देन उसके बाद है अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस होती हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तीनों बेसिकली एक चीज को रेफर करते हैं। तो इनको भी फिर हम डिस्कस करेंगे के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कौन कौन से कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें बताए हुए हैं। जी सना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी जो है ISP ही प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली यूज क्यों किया जाता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए यूज किया जाता है कि जब ISP, क्योंकि ये आपको पता है ना कि ISB का काम है कि उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, चाहे वो IAS हैं या IFRS है, या उनको अपडेट करना है या उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो ISB जब भी ये स्टैंडर्ड्स बनाता है तो हमेशा अपने माइंड में रखता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सो कंसेप्शन फ्रेमवर्क को ये हमेशा लोग माइंड में रखते हैं और ये कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना सकते जो कंसेप्शन फ्रेमवर्क के अगेंस्ट जाता हो। एंड यस, कंसेप्शन फ्रेमवर्क में बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसको ISP बनाता है, क्योंकि इसमें जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो कई सौ सालों से चले आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसे नए प्रिंसिपल्स नहीं है। राइट, लाइक गोइंग कंसर्न बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। मॉनिटरी प्रिंसिपल बड़ा फंडामेंटल सा प्रिंसिपल है कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो कोई ना कोई करेंसी यूनिट्स उसके लिए यूज़ करने हैं। आप बार्टर सिस्टम तो अब चल नहीं रहा, वो तो 2-3 सदियां पहले चला करता था, तो करेंसी यूनिट्स चलते हैं बेसिकली। तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने करेंसी यूनिट्स में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये ऑलरेडी दी होती हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में और ये कई सदियों से चली आ रही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके,